उसको मोदी छीनना चाहते। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यहां पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में यहां पर शिंदे की हुकूमत है, जिसमें अजीत पवार भी हैं, बीजेपी भी है, जो शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते महाराष्ट्र की, छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्त की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था, उन्होंने कहा कि ओसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दुगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के इस वक्त के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताए कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया, और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम्हारे तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है। और ये आपको आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में, 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं, उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में